का अक्सर एक सवाल रहता है कि सर मैं इस लोकेशन से हूँ और मेरे को कौन सा वाला पैनल लगवाना चाहिए, मेरे को पोली के साथ जाना चाहिए, मोनो के साथ जाना चाहिए, बाईफिशियल के साथ जाना चाहिए, मोनोपर्क के साथ जाना चाहिए, तो आप सजेस्ट करें। तो फ्रेंड ये वीडियो आज उसी से रिलेटेड है, किस किस टेक्नोलॉजी का सोलर मॉड्यूल नेक्सस अभी बनाती है, क्योंकि नेक्सस की जो सीरीज है सोलर मॉड्यूल्स की उसमें कुछ नए प्रोडक्ट भी ऐड हुए हैं और मैं प्राउडली अनाउंस करना चाहता हूँ कि कुछ और प्रोडक्ट भी इसमें हमने ऐड किए हैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्सस सोलर जो है वो एक इंडिया की इनोवेटिव कंपनी है और बेसिकली हम लोग कस्टमर डिमांड्स पे काम करते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग सॉल्यूशंस बनाते हैं और सॉल्यूशंस आप लोगों को एक बेस्ट क्वालिटी में सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपका वो टॉपिक क्लियर कर दूं कि आपको पोली लगवाना चाहिए कि मोनो लगवाना चाहिए कि मोनो पर्क लगवाना चाहिए कि मोनो बायोफिशियल लगवाना चाहिए। फ्रेंड्स मैं हूँ दीपक चौधरी, सोलर एक्सपर्ट, अवार्ड होल्डर बाय पीएसडीएस इंडिया, और आप मेरे पीछे जो ब्यूटीफुल व्यू देख रहे हैं ये उत्तराखंड में अल्मोड़ा का व्यू है और बेसिकली बहुत खूबसूरत मॉर्निंग है ये। उसे वही मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया तो वीडियो को कृपया लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स जैसे कि इस वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ, एक तो आपको पैनल कौन सा लगवाना चाहिए और दूसरा नेक्सस के कौन कौन से अपकमिंग मॉडल आने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही एरिए में रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है और आपका जो क्लाउडी वेदर है वो नहीं रहता है, महीने में एक दो महीने, साल में एक दो महीने आपका क्लाउडी वेदर रहता है और आपका पास स्पेस काफ़ी है, मतलब आपको स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो पोली पैनल है। आप पोली के साथ जा सकते हैं, पोली चूँकि मार्केट का सबसे सस्ता पैनल है और चूँकि पोली के साथ में जो डिसएडवांटेज हैं वो है लो लाइट कंडीशन में काम नहीं करता है, दूसरा हाई बहुत हाई टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होते रहते हैं ऐसे ऐसे इफिशियंसी उनकी डाउन होती रहती है। कि पोली जो मॉड्यूल्स हैं वो सस्ते होने की वजह से ज़्यादा बिकता है, तो पोली आपको इजीली आसानी से मिल जाएगा, आप पोली के साथ जा सकते हैं। अगर आपके पास में स्पेस का थोड़ा सा इशू है कि आपको लग रहा है कि भाई मेरे को उतना स्पेस नहीं खर्च करना है और आपके यहाँ टेम्परेचर जो है वो ऑफली मतलब थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो आप मोनो पर्क के साथ में जाइए। मोनो पर्क जो है वो इंडिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आप मोनो के बारे में जानते हैं कि मोनो जो मॉड्यूल्स होते हैं हमारे उसमें जो सिलिकॉन की प्योरिटी होती है वो 99% के अबव होती है, तो उस वजह से अब मोनो के अंदर क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है वो बहुत ईजिली होता है और लो लाइट कंडीशन में भी मोनो जो है वो वर्क करने में कैपेबल होते हैं पैनल्स हमारे। तो अगर आपके यहाँ थोड़ा स्पेस का इशू है और आपके यहाँ टेम्परेचर थोड़े ज़्यादा रहते हैं, टेम्परेचर आपका 40 डिग्री प्लस चला जाता है या अप्रॉक्स 40 डिग्री रहता है, तो आप फिर पोली के साथ ना जाइए, आप फिर मोनोपर्क के साथ में जाइए। आप मोनोपर्क जो एक वर्ड है वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं बता देता हूँ आपको, पैसिवेशन इमिटेड रियल सेल या पैसिवेशन इमिटेड रियल कॉन्टैक्ट भी इसको बोलते हैं। अभी इसका जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल एक सिंपल सा है, जो हमारे एक नॉर्मल जो हम सोलर पैनल यूज करते हैं उसके अंदर जो सोलर सेल्स लगे होते हैं, तो उस सोलर सेल्स में क्या होता है, उसमें एक बार जब सीधा धूप आके लगती है किसी भी सोलर सेल पे आके धूप पड़ती है सीधा, तो उसमें से जितने में वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होने होते हैं हो जाते हैं। बाकी क्या होता है, सोलर सेल के पीछे एक हमारी एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर होती है, तो एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर से टकरा के वो डिफ्यूज हो जाते हैं सारी चीज़ें। तो बस वहाँ पर आपको जो पैसिवेशन लेयर, जैसे वर्ड से आप समझ पा रहे हैं कि पैसिवेशन इमिटेड रियल कॉन्टैक्ट या पैसिवेशन इमिटेड रियल सेल, तो मतलब एक पैसिवेशन जो लेयर है जो हमारी एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर लग रही थी वहाँ पे नॉर्मल वाले सेल के साथ में, यहाँ पे हम नॉर्मल वाले सेल के साथ में वो वाली लेयर ना लगा के, एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर ना लगा के हम लोग यहाँ पे पैसिवेशन लेयर लगाते हैं। पैसिवेशन लेयर को आप ऐसे समझ लीजिए ग्लास लगा दिया आपने, तो जितना फर्स्ट टाइम पे धूप पड़ी पैनल के सेल के ऊपर तो वो क्या हो गया, जितने भी सेल से एनर्जी बननी थी मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन्स उसको लेने थे वो करंट बनना था वो बन गया। उसके बाद में जो जो फोटॉन्स बचते हैं जिनको हमारा सेल नहीं ले पाता है, तो उन फोटॉन्स को क्या होता है कि वो जो पीछे ग्लास लगा दिया है जिसको हम पैसिवेशन लेयर बोल रहे हैं, वो ग्लास है बेसिकली, तो ग्लास क्या है कि उसको रिफ्लेक्ट कर देता है उस फोटोन्स को, तो रिफ्लेक्ट जब कर देगा वो तो दोबारा से वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो फोटोन्स ऊपर से चार्ज आ रहा है, फोटोन्स आ रहे हैं धूप के, वो दोबारा से क्या है हमारे सेल में दोबारा से पहुंच जाएंगे और एक ड्यूअल चांस मतलब एक चांस और मिल जाएगा हमारे सेल्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो बेसिकली 15 से 20% हमारी इफिशेंसी सेम एरिया में मोनोपर्क के साथ में हम लोग ज़्यादा ले सकते हैं। दूसरा मोनोपर्क का एडवांटेज ये है कि लो लाइट कंडीशन में काम करता है, और तीसरा एडवांटेज ये है कि मोनोपर्क के साथ में अगर आप जा रहे हैं तो उसका आपका लो लाइट वेदर में भी आपका वो
काम करेगा। क्यों क्यों काम करेगा, उसके पीछे वजह ये होती है कि जो मोनो पर्क जो मॉड्यूल्स होते हैं उनका जो वोल्टेज रेंज होता है वो बहुत जल्दी सुबह में, आप जितना देखेंगे कि सुबह के बिल्कुल हल्का सा सूरज भी निकलना होगा तभी आप जाके देखेंगे तो पैनल के अंदर वोल्ट पूरे हो चुके होते हैं। तो वोल्ट्स को हम एम्पियर में ड्रॉप कर लेते हैं थ्रू MPPT टेक्नोलॉजी, और इस हिसाब से हमारे मोनो पर्क जो मॉड्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। मोनो पर्क में ही जो लेटेस्ट इनोवेशन है वो है मोनो पर्क बायफेशियल, जैसे कि आप लोगों ने मेरा और वीडियोस भी बहुत सारे देखे हैं, और मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि मोनो पर्क बायफेशियल आप लोग लगवाइए। तो अगर आप ऐसे वेदर में रहते हैं जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पे पीछे बादल हैं बहुत ज़्यादा है ना, और ये क्लाउडी वेदर यहाँ पे ज़्यादातर रहता है या फिर धूप निकलती है तो बहुत तेज़ वाली धूप निकलती है, तो ऐसे मौसम में मोनो पर्क बायफेशियल जो मॉड्यूल्स हैं वो एक बेस्ट चॉइस है। तो उसके साथ में मोनो पर्क बायफेशियल के साथ में आपको क्या एडवांटेज मिलेंगे, उसका एडवांटेज ये होगा कि उसके जो सेल होता है इसके अंदर वो ड्यूअल टेक्नोलॉजी से बना होता है, मतलब कि वो जो फ्रंट साइड है उससे भी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है और जो रियर साइड है उससे भी कर सकता है। तो उसका एडवांटेज हमें ये मिलता है कि जैसे क्लाउडी वेदर है हमारा, तो क्लाउडी वेदर में क्या होगा हमारा कि जो हमारा एल्बिडो लाइट आ रही है जो ग्राउंड से टकराने के बाद में लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उस लाइट से भी उसका जो रेयर पोर्शन है वो जनरेशन करता रहता है। अब वो जनरेशन करता कितना है, कुछ लोगों का ये भी होता है कि सर मोनो पर्क बायफेशियल जो है वो मॉड्यूल तो अच्छे होते नहीं हैं, तो अब उन लोगों को क्या है ना, वो सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा लोग यकीन करते हैं, हिंदुस्तान है यहाँ पे लोग मतलब करते हैं, किसी ने जो बोल दिया सो ठीक है, अब किसी ने यूज़ भी नहीं किया पैनल को, देखा भी नहीं है तो उसके बाद में भी उसके बारे में कोई राय दे दी। तो मोनो पर्क बायफेशियल जो मॉड्यूल हैं, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं मैंने आपको बताया कि मोनो पर्क सेल लगा हुआ है इसके अंदर, तो मोनो पर्क आपको मैंने बता दिया 15-20% ज़्यादा इफेक्टिव होता है नॉर्मल पोली पैनल से। तो अगर आप, कुछ लोगों का कहना है कि 2-3% होता है, तो वो नहीं है, मोनो होता है 2-3%, मोनो पर 15-20% भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप नॉर्मली भी देखेंगे कि पोली पैनल के जो आपको मॉड्यूल मिलेंगे मैक्सिमम साइज उनके अंदर मिलेगा आपको 320 वाट, 330 वाट, 335 वाट, ए ग्रेड के अंदर आप जाएंगे, बी ग्रेड में 325 वाट तक आपको मिल जाएगा। अभी अब मोनो पर्क की बात करें तो मोनो पर्क जो है 380 वाट में आ रहा है सेम साइज में, तो आप समझ लीजिए 15-20% तो ज़्यादा होता ही है। अब उसके अंदर भी ड्यूअल सेल, उसके अंदर सेल एक ही है पर वो क्या है कि वो ड्यूअल आपका दोनों तरफ से वो जो फोटॉन्स हैं उनसे एनर्जी बना सकता है, कैपेबल है डबल साइड से। तो जो रेयर पोर्शन है 15-20%, 10%, 5%, आप कितना भी कम से कम लगा लीजिए, 10% भी अगर लगा के चल रहा है तो 30% तो नॉर्मली पोली से वैसे भी ज़्यादा होता है, बिल्कुल बिरी से बुरी कंडीशन भी आप अगर मान लेंगे कि भाई 10% तो रेयर का पोर्शन जो रेयर साइड है वो जनरेशन करेगा, तो भी आपको 30% ज़्यादा मिल गया। तो मतलब कि अगर आपके पास में स्पेस की थोड़ी कमी है और आपके तो जिन एरियाज़ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं उन एरियाज़ के लिए मोनो पर्क बायफेशियल जो है वो एक बेस्ट चॉइस होती है। मोनो पर्क बायफेशियल पैनल जो है वो थोड़ा सा ग्राउंड से हटके भी लगाया जाता है, तो जो टेम्परेचर का इशू होता है वहाँ पे, क्योंकि क्या होता है जब नॉर्मल हमारे मोनो पर्क आप सेल लगा रहे हैं वन साइड वाले सेल लगा रहे हैं तो क्या होता है कि चूंकि पीछे उनके अंदर EVA शीट लगी होती है और ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, तो क्या है उनके अंदर टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है पैनल के अंदर, तो जितना टेम्परेचर पैनल के अंदर बढ़ेगा उतना हमारी इफिशियंसी में लॉस आएंगे। पर मोनो पर्क जो बायफेशियल हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर चूंकि वो बीच में स्पेस होता है, उसके सेल टू सेल के बीच में स्पेस होता है, तो जो हीट है वो उसके अंदर, और ग्लास का बना होता है पीछे EVA शीट नहीं होती है उसके, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो जो हमारा टेम्परेचर का के साथ में जो हमें दिक्कत आ रही थी मोनो पर्क के साथ में सिंगल साइड वाले के, वो इसके साथ में नहीं आती है, इसके टेम्परेचर बहुत आसानी से नहीं बढ़ते हैं। ग्लास भी इसके अंदर मोटाई ज़्यादा लिए होता है थोड़ा सा, स्ट्रेंथ भी इस पैनल के अंदर ज़्यादा होती है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप उन्हीं लोगों के लिए आप बायफेशियल पैनल लगवाइए। एक और सवाल रहता है लोगों का, अक्सर मेरे को फ़ोन आता है कि सर एक टेक्नोलॉजी का पैनल जो है वो सेम टेक्नोलॉजी का पैनल जो है, या मान मोनो पर्क की बात बायफेशियल की बात कर लेते हैं कि कहीं पे 20 रुपये या 22 रुपये मिल रहा है और कहीं पे 40 रुपये का रेट है, तो वो ऐसा क्यों है? तो उसके लिए मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट टर्म बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक कंपनी 20 रुपये वाट कमा रही है और एक कंपनी जो है या 15 रुपये वाट कमा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली टेक्नोलॉजी का फ़र्क होता है। अब आप जब पूरा स्पेसिफिकेशन पैनल का देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 365 वाट का या 370 वाट का मॉड्यूल है बायफेशियल का, और इससे ज़्यादा तो मोनो पर्क नॉर्मली बन जाता है, 380 वाट का तो नॉर्मल मोनो पर्क ही आप पा रहा है, और बायफेशियल बनना है उसके अंदर भी बायफेशियल बनना है, उसके बाद भी 360 वाट, 370 वाट बनना है, तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। तो उसके बारे में मुझे कमेंट करने की, मतलब उसके बारे में मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। मोनो पर्क जो है हमारा मॉड्यूल जो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल है 380 वाट तक अवेलेबल है। अब उसका अगर हम बायफेशियल बनाएंगे तो नेचुरल सी बात है ज़्यादा होगा, वो 400 वाट होगा, 420 वाट होगा, 450 वाट होगा, कुछ तो होगा। अब वहाँ पे भी हम मोनो पर्क बायफेशियल की बात कर रहे हैं कि सब 375 वाट का है, 370 वाट का है, 360 वाट का है, तो आप समझ लीजिए तो इसका मतलब मोनो पर्क नहीं है।
अब मोनो बायफेशियल है, मोनो बायफेशियल है तो ठीक है, मोनो पर्क बायफेशियल और मोनो बायफेशियल दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, तो वो चीज़ें आप देख लीजिए, क्योंकि वो भी एक कई बार अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं वो चीज़ें कि सर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, तो उसका आंसर ये है आप लोगों को कि आप उस चीज़ को खुद देख सकते हैं, उसकी व्यूसी आपको जो मोनोपार्क बायफेशियल मिलेगा उसका व्यूसी रेंज ज़्यादा मिलेगी और उसकी जो क्वालिटी है वो अलग ही होगी, जो नॉर्मल बायफेशियल होते हैं उनकी जो क्वालिटी है वो अलग टाइप की होती है। तो मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी मोनोपार्क या मोनोपार्क बायफेशियल के साथ जा रहे हैं तो एक ठीक टेक्नोलॉजी के साथ में आप जाइएगा, वो देख लीजिएगा, मतलब सस्ते के चक्कर में ज़्यादा ना रहिएगा, क्योंकि सस्ते का एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि अपना पैनल खुद जाने ग्रेड क्या होते हैं पैनल्स के, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा आप मेरा वो वाला वीडियो भी देख लें, वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये तो होगी आपकी बात, आप नेक्सस क्या क्या नया लॉन्च कर रहा है मैं आपको शॉर्ट में आपको वो भी बता देता हूँ। नेक्सस का लेटेस्ट जो हम लोग मोनोपार्क तो पहले से ही बनाते थे, तो 380 वाट का हमारा मोनोपार्क आ रहा है, अब उसी का ही एक एसी मॉड्यूल हम लोगों ने बना दिया है। उसके अंदर जैसे कि नॉर्मली आप एसी मॉड्यूल आपने मार्केट के अंदर देखा होगा, सुनते हैं आजकल क्रेज़ में है, तो नेक्सस चूंकि डिमांड आ रही थी कि भाई साहब आप एसी मॉड्यूल भी बनाइए, तो नेक्सस का एसी मॉड्यूल भी आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत जल्दी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा और अमेजोन वगैरह पे भी वो अवेलेबल होगा। तो 380 वाट और 395 वाट ये दो वेरियंट अवेलेबल हैं, दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि जो 380 वाट 395 वाट वाला जो है उसके अंदर 22.8% एफिशिएंसी का हम लोगों ने ए ग्रेड का सोलर सेल यूज किया है, तो दैट्स द हाईएस्ट रिकॉर्डेड आउटपुट इन इंडिया इस टाइम जो है, इंडिया के अंदर इससे ज़्यादा रेटिंग का मोनोपार्क में आपको मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, एक दो कंपनी के ही अवेलेबल है वो भी ठीक ठाक टेक्नोलॉजी की। तो हम लोग बेसिकली क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं, तो क्वालिटी प्रोडक्ट ही 395 वाट और 380 वाट हम लोग बना रहे हैं, तो थोड़ा सा 395 वाट जो है उसका रेट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 380 वाट का नॉर्मल रेट रहेगा, और 380 वाट में भी ए ग्रेड का ही सेल यूज होता है, पर अप्रॉक्स 22.2% का वो सेल उसके अंदर यूज करते हैं हम लोग अभी उसमें ही। अब आप ये कहेंगे कि सर बायफेशियल जो आपका मॉड्यूल है क्या उसके साथ भी ये वाला लग सकता है, एसी मॉड्यूल बन सकता है? बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बायफेशियल के साथ में अगर आपको ये है कि सर मेरे को तो बायफेशियल के साथ में एसी मॉड्यूल चाहिए, तो एसी मॉड्यूल आपको बायफेशियल के साथ भी मिल जाएगा, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, हम लोग बना के दे देंगे आप लोगों को। अब एसी सोलर मॉड्यूल क्या होते हैं उसके बारे में मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे यूट्यूबर जो हमारे भाई हैं, तो उन लोगों की मैं तो उन लोगों को सभी यूट्यूबर भाइयों को मतलब ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों की वजह से एक आम इंसान को एक टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिल रही है, वो अपने लिए सही चीज़ चूज कर पा रहे हैं, वरना तो अब से पहले ये था कि दुकानदार के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड थे लूँ कि साहब उसने जो दे दिया जो अच्छा बता दिया वही उनको लेना पड़ता था। कुछ ऐसे नाम है कि जो बहुत ही मैं बहुत लाइक करता हूँ, लाइक हमारे सोलर इज माई पैशन से अजीत बहादुर जी हैं, टेक मेवाड़ी जी हैं, हमारे इंजीनियर भारत हैं, मिस्टर सेवक मैकेनिकल हैं, एक उत्तराखंड से हैं भाई, उनका चैनल सॉरी स्लिप हो रहा है नाम दिमाग से, अच्छा चैनल है, मतलब उनका भी अच्छा चैनल है, वो भी इंस्टॉलेशन के अच्छे बताते हैं, अनमोल भाई हैं लूम से, वो भी अच्छा, मतलब ये सारे लोग मैं मतलब इनका बेसिकली धन्यवाद मैं सभी लोगों को देना चाहूँगा कि इन लोगों की वजह से सोलर में बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, और सभी लोगों से प्रेयर है कि सब लोग लगे रहें इसी तरह, सोलर इंडस्ट्री भी ग्रो होती रहे, लोगों को भी फायदे होते रहे उन सारी चीज़ों से। तो फ्रेंड्स अभी इसके बाद में आपका लोगों का रह जाएगा कि साहब उसका प्राइसिंग आप मेरे को बता दीजिए कि प्राइसिंग क्या है, तो फ्रेंड्स उसका प्राइसिंग और ऑफिशियल अनाउंसिंग डेट जो है उसकी वो आपको वेबसाइट पे मिलेगी, क्योंकि अब की बार हम लोगों का क्या क्या पहले स्टॉक बना के पूरा अच्छे तरीके से रखेंगे, उसके बाद में तब वो हम लोग उसको वेबसाइट पर डिस्प्ले करेंगे। इसके अलावा हमारे कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो एक हमारे PCU का भी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, ऑफ ग्रिड विदाउट बैटरी, तो वो भी इसी मॉड्यूल के साथ में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, और अगर आपको नॉर्मल में मोनोपार्क चाहिएगा 380 या 390 वाट का, तो विदाउट एसी मॉड्यूल भी हम लोग उसको देंगे, और बहुत जल्दी वो वेबसाइट पे अवेलेबल होगा और एक अच्छे प्राइस में आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आप लोगों को अब यहाँ का व्यू भी दिखा देता हूँ, आप लोगों की फिर बाद में शिकायत हो जाएगी कि सर व्यू आपने नहीं दिखाया है, ये आप देखिएगा सुपर व्यू है बिल्कुल। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपको मेरा ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आया हो आप लोगों को, तो कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हमारे ऊपर बना रहे, इसी उम्मीद के साथ में जय हिंद।